बीच बड़ी खबर आपको दे दे, सपा ऑफिस के बाहर होर्डिंग पर सियासत दिखाई दे रही है। डिंपल यादव को बताया गया है भावी मुख्यमंत्री, होर्डिंग लगाकर सांसद डिंपल यादव को जन्मदिन की बधाई दी गई है। होर्डिंग पर भावी मुख्यमंत्री लिखकर जन्मदिन की बधाई दी गई है। सपा नेता ने पार्टी कार्यालय के बाहर ये होर्डिंग लगाई है और ये उसी होर्डिंग की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जन्मदिन की बधाई दी है और भावी मुख्यमंत्री उन्हें बताया गया है इस होर्डिंग के जरिए। और चलिए इस वक्त सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी का, लखनऊ से इस वक्त अतीक हमारे साथ जुड़े हुए। अतीक, सपा ऑफिस के बाहर जो होर्डिंग लगी हुई है उसको किस तरीके से हम देखें, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या मैसेज देने जा रहे हैं इसके जरिए, क्योंकि सियासत इस पर बहुत हद तक बढ़ेगी अब। जी बिल्कुल, कहते हैं लखनऊ के समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर कल रात को जो सपा नेता हैं अब्दुल अजीम, उन्होंने एक होल्डिंग लगाई थी। इस होल्डिंग में जो डिंपल यादव हैं सांसद हैं उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं दी थी और साथ ही जो सबसे चौंकाने वाली खबर है कि उनको आगामी मुख्यमंत्री बता दिया। हालांकि इससे कयास लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो 2024 में लोकसभा चुनाव है, क्या अखिलेश यादव जो सांसद चुनाव लड़ने जाते हैं, क्या इंडिया गठबंधन में क्या वो प्रधानमंत्री पद का चेहरा दावेदारी होंगे और जो चुनाव लोकसभा के आएंगे 27 में उसमें क्या पूरे प्रदेश को यूपी को सीएम बनाने की बात डिंपल यादव चल रही है। हालांकि कई तरह के बयान पहले भी आ चुके हैं, अखिलेश यादव हालांकि बात साफ तौर पर कह चुके हैं कि उनको अभी यूपी चलाने में इंटरेस्ट है, देश चलाने में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसीलिए उन्होंने सांसदी छोड़कर कैसे विधायकी चुनाव लड़ा था और नेता विपक्ष बने थे, हालांकि ये बात पहले कह चुके हैं। मगर अब जो कयास लगा रहा है कि क्या लोकसभा चुनाव जो आने वाले हैं सांसद चुनाव लड़ने के बाद क्या अखिलेश यादव देश संभालने की बात कर रहे हैं और क्या यूपी को डिंपल संभालेंगी, तो बड़े कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि पार्टी के दफ्तर में हालांकि जैसा कि कोई बयानबाजी सामने नहीं आई, सिर्फ पोस्टर सामने आया है, समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से कोई बयान नहीं जारी किया गया है, ना से कोई बात सामने आई। मगर कई तरह के कयास सियासी गलियारों से लगाए जा रहे हैं कि क्या उत्तर प्रदेश की कमान अब डिंपल यादव के हाथ में आएगी, तो ये बड़ी खबर है। हालांकि अभी तक बीजेपी और समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई बयान जारी नहीं हुआ है, तो सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल अतीक, और जिस तरीके से अभी फिलहाल हम देख रहे हैं स्थितियां बनी हुई हैं और सीटों का जो बंटवारा है वो नहीं हो पाया है, उस पर भी पेच फंसा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इस पर जो होर्डिंग इस वक्त नजर आ रही है उस पर विवाद होना आने वाले वक्त में लाजमी है। आप बने रहिएगा अतीक, वापस आएंगे आपके पास। फिलहाल ये होर्डिंग आपको लगातार हम दिखा रहे हैं, एक तरफ जन्मदिन की बधाई भी दी गई है और दूसरी तरफ उन्हें भावी मुख्यमंत्री भी बता दिया गया है। और बीजेपी प्रवक्ता अशोक पांडे जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक जी, ये सपा कार्यालय के बाहर का पोस्टर होर्डिंग आपने देखी होगी, भावी मुख्यमंत्री बताया जा रहा है डिंपल यादव को। देखिए सबसे बड़ी बात है कि वो सपा के दफ्तर में है तो गलती करते हैं, उनको अपने पैसे से लगवाना तो प्रधानमंत्री जी से डालना चाहिए था। एक बड़ा पुराना गीत था, यदि होता किन्नर नरेश तो राजमहल में रहता, ये लोग बैठ के ख्वाबों का महल बनाते हैं, तो कभी डिंपल जी को कभी किसी को कभी अपने प्रधानमंत्री को उम्मीदवार हो जाते हैं। मेरा ये मानना है कि जनता जब बनाएगी तब बनना पड़ता है और जनता इनके साथ नहीं है। अशोक जी, लेकिन समाजवादी पार्टी तो ये कहती है ना, आपको तो, आप लोग तो समाज को तोड़ने का काम करते हैं और हम जोड़ने का काम कर रहे हैं, देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश में राम भक्तों के लहू से सरयू की धरती को लाल करके इनके पिता मुल्ला मुलायम हो गए थे जाली राज टोपी लगा के। मेरा ये मानना है इस समय भी स्वामी प्रसाद मौर्य को लेके जिस तरह से हिंदू धर्म को गाली दे रहे हैं, समाज को कौन तोड़ रहा है पूरा देश देख रहा है। अशोक जी, लेकिन इस वक्त देश में कई तरीके के मुद्दे हैं, क्या लोकसभा चुनाव के लिए भी बीजेपी का मुद्दा विकास ही रहेगा? जी फिर से बोलिए जरा। जी अशोक जी, मेरा सवाल ये है क्योंकि देश में भी हम जाति का मुद्दा देख रहे हैं, धर्म के आधार पर भी लड़ाई चल रही है, लेकिन बीजेपी बार बार ये कहती है कि विकास हमारा एजेंडा है, तो लोकसभा चुनाव के लिए भी यही मुद्दा रहेगा? देखिए कहीं कोई धर्म की लड़ाई नहीं है, हमने कहा था हमारे की हम कानून के आधार पर राम मंदिर बनाएंगे और जब फैसला कोर्ट का आया तो हिंदू मुसलमान सभी ने माना तो माना, तब जाके राम मंदिर का निर्माण हुआ, कहीं कोई धर्म की लड़ाई नहीं है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका अशोक पांडे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये होर्डिंग हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ उन्हें जन्मदिन की बधाई भी दी जा रही है, दूसरी तरफ भावी मुख्यमंत्री बताया जा रहा है डिंपल यादव को, लेकिन बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये फिलहाल सपा कार्यालय के बाहर की होर्डिंग आपको हम दिखा रहे हैं, सपा नेता ने जन्मदिन की बधाई भी दी है और बाकायदा इसको लेकर भावी मुख्यमंत्री तक डिंपल यादव को बता दिया है।
और ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, इससे पहले भी सपा दफ्तर पर भावी पीएम बताया गया था अखिलेश यादव को। इससे क्या समझें, क्या आने वाले वक्त में एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश हो रही है, क्या उत्तर प्रदेश की जो कमान है वो डिंपल यादव में उनके हाथों पर सौंप दी जाएगी और अखिलेश यादव अब केंद्र की राजनीति की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, उस ओर कदम बढ़ाएंगे, ये भी देखना होगा। ये दो तस्वीरें आपके सामने, एक तरफ डिंपल यादव को भावी मुख्यमंत्री बताया जा रहा है और सपा दफ्तर पर जो इससे पहले पोस्टर लगा था उसमें भावी पीएम दिखाया गया था अखिलेश यादव को।